बैरिया से बाहर 10 से 15 लाख का एकड़ मिल जाता है, लेकिन सिर्फ एक बाउंड्री क्रॉस करते ही एक एकड़ 3 से 4 अरब रुपए का। ऐसा क्या दे रहा है बैरिया जो सिर्फ एक बाउंड्री का फर्क रखते हुए कहीं चीज लाखों की तो कहीं अरबों की मिल रही है? आज वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। बैरिया टाउन कराची दे रहा है आपको एडवेंचर लैंड, जो कि कराची का सबसे बड़ा एम्यूजमेंट पार्क है, और दूसरे नंबर पर डेंजू, जो कि बैरिया का सबसे बड़ा एक जू है जहां पर आपको दुनिया भर के जानवर दिखाए जाएंगे। बैरिया में आपको एफिल टावर दिया जा रहा है और ग्रैंड मॉस्क भी। दुनिया भर से लोग देखने आते हैं ग्रैंड मॉस्क को, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया में सबसे बड़ी तीसरे नंबर पर मस्जिद है। उसके साथ ही साथ आपको टेक मॉल भी दिया जा रहा है, जो कि बैरिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिकल मॉल है। ग्राउंड प्लस 12 की ये बिल्डिंग है। देखिए, ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई कि बैरिया में इन्वेस्ट क्यों किया जाए। अब सवाल आता है कि कहां किया जाए। देखिए, ऐसी कई सारी ऑप्शंस है बैरिया टाउन कराची में, कई सारे बिल्डर्स हैं, लेकिन आज जो मैं चीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ, बैरिया टाउन के ऑथराइज्ड बिल्डर कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, जो कि नाम है एतमाद का। अब आपका सवाल होगा कि देखिए, अगर हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका काम देखते हैं। अब बात आती है कि कैलिफोर्निया ने पहले क्या डिलीवर किया है। टेंशन नहीं ले, मेरे पीछे आप देख सकते हैं लिबर्टी रेजिडेंशियल, जो कि 2 साल का प्रोजेक्ट था। कैलिफोर्निया ने अपने इन्वेस्टर और अपने ऊपर जो उनके एतमाद करने वाले हैं उनका एक भरम रखने के लिए 1.5 साल में ये चीज़ डिलीवर कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग कैलिफोर्निया पे एतमाद करते हैं तो कैलिफोर्निया अपने कमिटमेंट पे पूरा उतरता है। ठीक इसी के सामने हमारा जो प्रोजेक्ट है टेक मॉल, जिसका मैंने आपको जिक्र पहले भी कर लिया था कि जो लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिकल मॉल है बैरिया टाउन कराची में, ग्राउंड प्लस 12 की बिल्डिंग है। ग्राउंड से लेकर 5th तक शॉप्स दी जा रही हैं और 6th फ्लोर पर फूड कोर्ट, 7 to 12 ऑफिसेज दिए जा रहे हैं। इसमें भी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो तो सोल्ड आउट हो गया, लेकिन इसमें चीज़ें अवेलेबल हैं। अब बारी आती है कि जिन्होंने लिबर्टी रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट किया उनको क्या फ़ायदा हुआ। जब हमने बुकिंग स्टार्ट की थी तो हमने 7 से लेकर 7,500 रुपये बुकिंग दी थी, लेकिन आज जो उसका रेट है वो 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट है। मतलब 2 साल में पैसा डबल। बात की जाए अगर सिक्योरिटी की तो 24/7 यहाँ पर सिक्योरिटी होती है। मेंटेनेंस की बात की जाए तो यहाँ पर टाइम पर मेंटेनेंस देखी जाती है। इसके अलावा सेवरेज सिस्टम, आपको पता है कि बारिशों का मौसम चल रहा है, पूरा कराची डूब चुका है कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ का जो सेवरेज सिस्टम, मैं नहीं समझता कि पूरे एशिया में, और अगर ये कहा जाए कि ये एशिया की सबसे खूबसूरत और बड़ी सोसाइटी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और इसकी जो सेवरेज सिस्टम है, जो इसकी ड्रेनेज सिस्टम है, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सोसाइटी की इससे बेहतर होगी, ये कई सोसाइटियों से बेहतर है। इलेक्ट्रिसिटी, मुझे 1.5 साल हो गया बैरिया में रहे हुए, लेकिन मैंने एक सेकंड भी लाइट जाते हुए नहीं देखी। चाहे जितनी आंधी हो, तूफान हो या बारिश हो, मुझे नहीं पता कि कभी लाइट गई हो। तो जी, इस वीडियो का एंड करते हैं। शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसके अलावा हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।